नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन आर्मी भारतीय सेना के द्वारा रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी RTJCO के पदों से संबंधित नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित वीडियो के दौरान आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ हमने डाउनलोड किया गया है, कर लिया है। जैसे इंडियन आर्मी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन ऑफिसर। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2024 तक। ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 22 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2024 तक। यहां एक मैसेज डिस्प्ले किया गया है, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन जो है फेयर और ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेरिट बेस पर होते हैं, कोई भी यहां पर घूस नहीं ली जाती, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। यहाँ रिलीजियस टीचर JCO के लिए 2024-25 के लिए पेपर फर्स्ट ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट एग्ज़ाम CEA कंडक्ट कराया जाएगा। सेकेंड फेस जो होगा एग्ज़ाम और रिक्रूटमेंट रैली होगी, और थर्ड फेस जो होगा इंटरव्यू होगा। तो तीन चरणों में इन पदों पर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही 22 मार्च तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर जाकर। अन्य माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो ₹250 प्लस बैंक चार्जेस ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी होगी थ्रो SBI पोर्टल। इसके लिए आप मास्टर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन मोड में या नेट बैंकिंग के माध्यम से UPI के माध्यम से आप अपनी फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। एक बार फीस पेमेंट करने के बाद में किसी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए उसको एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पहले बात कर लेते हैं जिन कैटेगरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पंडित गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट, हिंदू गोरखा कैंडिडेट्स के लिए, ग्रंथी, मौलवी, सुन्नी, मुस्लिम, सुन्नी कैंडिडेट्स के लिए पादरी है, और बौद्ध मॉन्क, महायान फॉर लद्दाख स्काउट्स के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आयु सीमा सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए 27 से 34 साल रखी गई है 1 अक्टूबर 2024 को आधार मानकर। यानी ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अक्टूबर 1990 के बाद का नहीं होना चाहिए। माफ़ कीजिए, हम यहाँ पर उल्टा बोल गए हैं, 1 अक्टूबर 1990 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अक्टूबर 1997 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही तिथियाँ इंक्लूड होंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन RT पंडित और पंडित गोरखा गोरखा रेजिमेंट हिंदू कैंडिडेट्स के लिए, आवेदक शास्त्री आचार्य इन संस्कृत किसी भी UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके अलावा नीचे दिए गए कंडीशंस को पूरा करना होगा। कर्म कांड एज वन ऑफ द मेन कोर सब्जेक्ट ड्यूरिंग द शास्त्री और आचार्य, या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कर्मकांड से संबंधित। RT ग्रंथी सिख कैंडिडेट्स के लिए है, किसी भी UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रंथी की आवेदक ने डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट हासिल किया हो। RT मौलवी मुस्लिम कैंडिडेट्स, सुन्नी कैंडिडेट्स के लिए है, आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही इंडिविजुअल शुड हैव आलिम इन अरेबिक और अदीब ई माहिर और उर्दू माहिर इन उर्दू में होना चाहिए। RT पादरी के पदों के लिए क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए है, ग्रेजुएट होना चाहिए UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही आवेदक को अप्रोप्रिएट एक्लेस्टिकल अथॉरिटी और टू बी अप्रूव्ड द लिस्ट ऑफ लोकल बिशप के द्वारा आवेदक होना चाहिए। RT बुद्धिस्ट कैंडिडेट्स के लिए है,
UGC रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए। इन बुद्धिज में RTJCO के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड और फिटनेस टेस्ट यहाँ लिया जाएगा कुछ इस तरह से हैं। मिनिमम जो हाइट होगी यहाँ पर जर्नल के लिए 160 सेंटीमीटर, गोरखा लद्दाखी के लिए 157 सेंटीमीटर, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के लिए 155 सेंटीमीटर है। टेस्ट 77 सेंटीमीटर सभी के लिए बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का यहाँ फुलाव होना चाहिए। वेट जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50 किलो होना चाहिए जबकि गोरखा के लिए 48 किलो। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है यहाँ 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि हिली एरियाज के हैं उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5000 फिट के ऊंचाई पर रहने वाले कैंडिडेट्स को 30 सेकंड एडिशनल दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो 9000 से 12000 फिट की ऊंचाई पर रहने वाले हैं उन्हें 120 सेकंड अतिरिक्त दिए जाएंगे 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उनके स्टेप्स की। पहला जो चरण होगा फेज़ वन में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में सही उत्तर के लिए सही अंक दिए जाएंगे, पूरे अंक दिए जाएंगे। कोई अगर क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो उसके लिए आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। हर गलत उत्तर देने पर 25% अंक काट लिए जाएंगे यानी 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जो पेपर होगा यहाँ उसका पैटर्न कुछ इस तरह से है। पेपर वन जो होगा जनरल अवेयरनेस पर आधारित 100 अंकों का होगा। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग के लिए एक आंसर गलत देने पर 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। एक घंटे का समय मिलेगा। पेपर सेकंड जो होगा स्पेसिफिक होगा रिलीजियस डेमोन्स्ट्रेशन या डिनोमिनेशन से रिलेटेड जिसके लिए कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। 2 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न के 2 अंक होंगे। गलत उत्तर देने पर 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। एक घंटे का समय मिलेगा। टोटल ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो होगा 2 घंटे का होगा। यहाँ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स लाने होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि पेपर वन में 40% मार्क्स लाएंगे उनके पेपर सेकेंड को चेक किया जाएगा। फेज सेकेंड के लिए ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेटों की एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर। उसके अकॉर्डिंग फेज सेकेंड के लिए जो रिक्रूटमेंट रैली होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्हें आप joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फेज सेकेंड के लिए आपको 20 फोटोग्राफ लाने होंगे जो 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए और जिनकी बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए। कंप्यूटराइज फोटोकॉपीड या सॉफ्ट फोटोग्राफ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। फोटोग्राफ विल बी प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन सेव होने चाहिए केवल 6 कैंडिडेट के अलावा। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको लाने हैं सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट मैट्रिक सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट रिलीजियस सर्टिफिकेट कॉलेज करेक्टर सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट रिलेशन सर्टिफिकेट्स जहाँ भी जो एप्लीकेबल है और एफिडेविट जो कि साइंड होगा 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर कैंडिडेट्स के द्वारा और नोटरी से बनवाया जाएगा एट द साइट रैली साइट विदाउट फेल। ये आपको एफिडेविट हर हाल में लेकर जाना होगा जब आप रिक्रूटमेंट रैली के लिए जाएंगे। जिस जगह का नाम आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा वहां पर आपको जाना होगा। इसके अलावा पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी भी आपको लेकर जानी होगी। फेज सेकेंड में मेडिकल एग्जामिनेशन भी मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले कैंडिडेटों का किया जाएगा। फेज सेकंड को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेटों को फेज थर्ड के लिए बुलाया जाएगा जिसमें इंटरव्यू लिया जाएगा। फेज सेकंड की मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट जगह बनाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए सिग्नल रेजिमेंट सेंटर जबलपुर और
39 GTC वाराणसी पर बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी ऐसे कैंडिडेटों के द्वारा जो पेपर सेकंड और इंटरव्यू में टोटल मार्क्स हासिल करेंगे, उसके आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप डिटेल में संबंधित एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले। ऐसे कैंडिडेट जो सर्विस में हैं वो दिए गए फॉर्मेट पर अपनी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, फ़ोटो चिपका लेंगे और सारी जानकारी लेकर अपनी संबंधित यूनिट के ऑफिसर से इसको वेरीफाई करवा कर सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके साथ ही आप नीचे की साइड में जाएंगे, इस वेबसाइट पर अपीयर इन ऑनलाइन CEE इंग्लिश, तो यहाँ डेमो टेस्ट आपके लिए दिए गए हैं, आप रजिस्टर करा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे JCO OR अग्निवीर अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपसे अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको यूजर नेम देना होगा, पासवर्ड देना है, कैप्चा डाल देना है, लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहली बार न्यू रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपके पास में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कैन कॉपी होनी चाहिए, सिग्नेचर की, लेटेस्ट फोटोग्राफ की, 5 KB से 10-20 KB के साइज के बीच में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए मोबाइल से, जिस पर आपको OTP मिलेगा, एक्टिव ईमेल ID होनी चाहिए, मार्कशीट, क्वालिफाइंग कोर्स से रिलेटेड और एड्रेस डिटेल भरनी पड़ेगी। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दी गई उनको पढ़ लेना है हिंदी इंग्लिश दोनों में और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेरे पास है आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड नहीं है तो मैट्रिक वाले पर क्लिक कर देंगे, कन्फर्म टू फैच, डिजी लॉकर पर क्लिक करना है। अब ये सारी डिटेल आपकी डिजी लॉकर से यहाँ से उठाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट से, उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, जिस ईयर में आपने 10th क्लास पास की है वो सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना पूरा नाम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कैलेंडर का इस्तेमाल करके डाल देनी है और फाइंड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी डिजी लॉकर से। अगर डिजी लॉकर में आपका नहीं है तो आपको उसको पहले एक्टिवेट करा लेना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों, इंडियन आर्मी भारतीय सेना के अंतर्गत रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना है, ऑनलाइन आवेदन करने और फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है 22 मार्च 2024 तक ही है। अंतिम तिथि से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में ज़रूर सबमिट कर दें। तो आशा करते हैं पदों से संबंधित दी गई जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, आपकी काम की भी साबित होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जानने वालों में। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है।